योर एक्सीलेंसी प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद, ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों का सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की
75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है। हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके। भारत और ग्रीस वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। एक्सलेंसी, आज शाम आप रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आपकी भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।